सर्कुलर नंबर 216 जो कि वारंटी से रिलेटेड है और 26 जून 2024 को इशू हुआ था, सेम सर्कुलर 195 2023 में इशू हुआ था, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों वारंटी के ऊपर है देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आप प्रैक्टिकल एग्जांपल समझेंगे, राज स्टोर, मोहन और अंकित डिस्ट्रीब्यूटर को लेके पूरे एग्जाम्पल के थ्रू वारंटी के सारे सिनेरियो को जीएसटी के अंतर्गत कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि 216 में ऐसा क्या नया है। 216 में ऐसा नया है कि 190 सर्कुलर में केवल रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट या पार्ट्स को बताया गया था। 216 बोलता है कि पार्ट रिप्लेसमेंट हो या मोर देन वन पार्ट रिप्लेसमेंट हो या पूरा गुड्स एस सच रिप्लेसमेंट हो, वारंटी के अंदर सबको इंक्लूड किया जाएगा। समझते हैं क्या क्या सिनारियो है। एक राज स्टोर है जो मोबाइल सेल करता है, मोबाइल सेल करने के साथ साथ वो वारंटी भी देता है और मोहन इसको परचेज करता है 1 जुलाई 2024 को। ध्यान रखिए कि मोबाइल एट द टाइम ऑफ परचेज अगर कोई वारंटी दी जाती है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा सेम, और उस पर जीएसटी लगने वाला है मोबाइल की रेट पर, मतलब ये कंपोजिशन सप्लाई की सर्विस में आ जाएगा। अब क्योंकि मोहन ने वारंटी लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 दिसंबर 2024 को मोहन का एक पार्ट खराब हो गया था या पूरा का पूरा मोबाइल खराब हो गया था, 216 आ गया इसके अंदर। सपोज मोहन का एक पार्ट खराब हो गया था और उसमें 4,000 रुपये का एक पार्ट रिप्लेसमेंट हुआ है। जब राज स्टोर ये पार्ट को रिप्लेस करता है तो मोहन से कोई भी चार्ज नहीं लेगा क्योंकि वारंटी में इंक्लूडेड है। इस केस में जो ये 4,000 रुपये का फ्री का पार्ट रिप्लेस कर रहा है, सबसे पहली बात तो राज स्टोर को इस पर कोई ITC रिवर्सल नहीं करनी है और जैसे मैंने बताया वारंटी के अंतर्गत ही है तो इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब राज स्टोर फॉर एग्जांपल सर्विस चार्ज लेता है मोहन से 200 रुपये का, तो यहाँ पर ये एडिशनल चार्ज ले लिया गया है इसलिए 200 रुपये पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। दूसरे सिनेरियो पर चलते हैं। अब राज स्टोर है, राज स्टोर ने क्या है कि अपनी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रखे हैं जिसमें से एक डिस्ट्रीब्यूटर है अंकित डिस्ट्रीब्यूटर। अब मोहन को जो ये 4,000 रुपये वाला पार्ट रिप्लेस किया गया है ये अंकित के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स अब अंकित अपनी जेब से तो पैसा लगाएगा नहीं, अंकित डिस्ट्रीब्यूटर है, अब अंकित क्या करेगा, उसके पास में चार ऐसे सिनेरियो आएंगे जो वो डिमांड करेगा राज स्टोर से कि उसकी भरपाई करे। अब सबसे पहला जो आता है कि ये अंकित डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास में ये पार्ट्स पड़ा हुआ था या इसने थर्ड पार्टी से परचेज किया और क्योंकि मोहन को जल्दी थी इसलिए उसने ये रिप्लेस करके दे दिया। अब ये 4,000 रुपये ऑब्वियस सी बात है अंकित डिस्ट्रीब्यूटर अपनी जेब से तो नहीं लगाएगा, तो ये क्या करेगा अंकित डिस्ट्रीब्यूटर, सिंपल है कि राज स्टोर को एक इनवॉइस इशू कर देगा 4,000 रुपये की और जीएसटी चार्ज कर लेगा राज स्टोर से, राज स्टोर जो है इसकी ITC ले लेगा, सिंपल मेथड। अब लेकिन दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटर जो है राज स्टोर को बोलेगा कि ये वाला 4,000 रुपये के एक पार्ट्स का रिप्लेसमेंट आया है, राज स्टोर जी आप मुझे ये पार्ट्स दे दीजिए। राज स्टोर क्या करेगा, इस पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा। तो इस केस में भी जब राज स्टोर डिस्ट्रीब्यूटर को ये पार्ट दे रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर से कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, और क्योंकि ये राज स्टोर वारंटी के केस में ये पार्ट दे रहा है तो इस पे भी ITC रिवर्सल नहीं होगी। अब तीसरा केस समझते हैं कि राज स्टोर ने क्या कर रखा है कि ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूटर अंकित को उसको 10,000 रुपये का गुड्स ऑलरेडी सप्लाई किया हुआ है, मतलब राज स्टोर के पास में सब अंकित के पास में, अंकित डिस्ट्रीब्यूटर के पास में 10,000 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब क्या करेगा कि राज स्टोर बोलता है कि ये 10,000 रुपये की इन्वेंट्री तेरे पास में पड़ी हुई है, तू एक काम कर जो रिप्लेसमेंट्स वाला पार्ट जो आया है इसको यूज कर ले। अब क्योंकि राज स्टोर ने क्या बोला कि 10,000 रुपये की जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसमें से 4,000 तो यूज कर ले अंकित को, तो अब अंकित क्या है कि पूरा 10,000 रुपये तो राज को देगा नहीं, तो राज क्या करेगा कि इसको नलीफाई करने के लिए क्रेडिट नोट इश्यू कर देगा। अब क्योंकि राज ने क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो जो अंकित डिस्ट्रीब्यूटर है वो 10,000 रुपये 6,000 रुपये पे ही ITC के लिए एलिजिबल है, 4,000 के लिए नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो अंकित है उसको 4,000 रुपये वाले पे ITC रिवर्सल करना पड़ेगा। अब चौथा पॉइंट आता है कि अगेन जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो खुद का स्टॉक या थर्ड पार्टी से परचेस करके जो है मोहन को सप्लाई कर रहा है पार्ट का। पहले सिनेरियो में क्या था कि यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस रेस कर रहा है, चौथे सिनेरियो में क्या है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस रेस नहीं कर रहा है, राज स्टोर क्या कर रहा है बाद में डिलीवरी चालान के थ्रू उस गुड्स की सप्लाई कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को। तो इस केस में जो है डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी इनवॉइस रेस करने की जरूरत नहीं है, और अगेन जो राज सप्लाई कर रहा है डिलीवरी चालान के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर को, तो राज को कोई भी जीएसटी ITC रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। तो ये चार केसेस हो गए। अब चलते हैं इन सारे सिनारियों में ध्यान रखिए कि जो भी सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, अब सर्विस चार्ज ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है मोहन से नहीं लेके राज स्टोर से ले, जिससे भी लेगा उसमें जीएसटी इनवॉइस इश्यू होगी, जीएसटी चार्ज होगा। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी की। सबसे पहले समझ लेते हैं राज स्टोर, मोहन आया, मोहन ने मोबाइल खरीदा तो एक एक ईयर की वारंटी तो इनबिल्ट थी। अब
राजस्टोन ने मोहन को बोला कि अगर आप 2 ईयर की वारंटी एक्स्ट्रा लेते हो तो हम आपको 3,000 रुपये में दे देंगे। जो 1 ईयर की वारंटी चार्ज 2,000 है, वो एक्स्ट्रा 2 ईयर की वारंटी लेते हो तो 3,000 में, तो मोहन एग्री होता है। तो इसमें सबसे सिंपली बात ध्यान रखनी है कि ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है, अगर एट द टाइम ऑफ मोबाइल परचेज, मतलब एक्चुअल ओरिजिनल डिलीवरी हो रही है गुड्स की, उसी टाइम पे दी जा रही है, तो फिर सेम जीएसटी रेट अप्लाई होगी जो मोबाइल पर अप्लाई हो रही है। मतलब मोबाइल पे 18% है तो वारंटी पे भी और एक्सटेंडेड वारंटी पे भी 18-18% लगेगी। कब? जब एट द टाइम ऑफ मोबाइल परचेज ही एक्सटेंडेड वारंटी दी जा रही है। अब फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है ये अंकित डिस्ट्रीब्यूटर के दी जा रही है, तो अगर मैं इसको ये बोलूँ कि एक तो राजस्टोन ने क्या कर रहा है, क्या बोल रखा है कि सारे इन मोबाइल के केस में 1 ईयर की वारंटी तो इनबिल्ड है, लेकिन अब मोहन आता है, मोहन को लुभाने के लिए अंकित क्या बोलता है कि मैं 6 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी दूंगा और उसमें केवल 500 रुपये चार्ज करूंगा। तो इस केस में अगर मोहन एग्री हो जाता है तो ध्यान रखिए कि इन दोनों, राजस्टोर वाले में एक्सटेंडेड वारंटी और अंकित डिस्ट्रीब्यूटर वाले में एक्सटेंडेड वारंटी में डिफरेंस कैसा है कि अंकित के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा जो एक्सटेंडेड वारंटी दी जा रही है वो सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी और इस पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज वाली जीएसटी रेट लगेगी। वारंटी जो मतलब इनबिल्ड आ रही है उस पे तो जीएसटी रेट मोबाइल पे लगेगी एट द टाइम ऑफ मोबाइल परचेज पर। अब बात करते हैं, कुछ एक्सटेंडेड वारंटी भी दी जाती है। एक्सटेंडेड वारंटी कब दी जाती है? फॉर एग्जाम्पल, अंकित डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दी जाए या राजस्टोर द्वारा दी जाए, दोनों में सेम अप्लाई होगा कि मोहन आया, मोबाइल लिया 1/4/2024 को और उसने वारंटी चार्जेस भी पे किए, टोटल वारंटी चार्जेस के साथ में उसने जीएसटी पे भी कर दिया। अब 30 नवंबर 2024 को राजस्टोर या अंकित डिस्ट्रीब्यूटर दोनों ने एक लोक लुभावन जो है एक वो रखा कि भाई अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लोगे तो बहुत मिनिमम चार्जेस में मिलेगी। 30 नवंबर 2024, मतलब कि मोबाइल परचेज करने के बाद में एक्सटेंडेड वारंटी दी जा रही है। तो ध्यान रखिए, ऐसी कोई भी एक्सटेंडेड वारंटी दी जाती है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस के उसमें आएगी, सिनेरियो में आएगी और ये सेपरेट जो है एग्रीमेंट माना जाएगा और जीएसटी एप्लीकेबल जो होगी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में होगी। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें मैंने वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी को समझाया, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा दी जाए या जो मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा दी जाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।